केंद्रीय दल ने राजनांदगांव जिले में कोविड 19 के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया, इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। खाद्य मंत्री ने सीतापुर में वेयर हाउस का किया शुभारंभ, कहा धान से एथेनॉल बनाने से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। तृतीय लिंग समूह के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायपुर में किया गया मकानों का आवंटन। और देश सहित प्रदेश भर में आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है नवरात्रि का पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को राजनांदगांव जिले में कोविड 19 के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा के नेतृत्व में पहुंची इस टीम ने कोविड अस्पताल पेंड्री के साथ ही उदयाचल क्षेत्र में संचालित धर्मार्थ कोविड 19 केयर सेंटर का भी अवलोकन किया। सदस्यों ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं देने को कहा। केंद्रीय दल को अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिले में 3 प्रकार से कोरोना की जांच की जा रही है, यहां रात्रि में भी कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। दल के सदस्यों ने कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकारियों से कहा। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से समन्वय बनाकर कोरोना का बेहतर इलाज किया जा रहा है। समन्वय और सहयोग के कार्य से ही केंद्र शासन की ये टीम है जो राज्य में कुछ जिलों का दौरा कर रही है। इस सिलसिले में मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और मेरे साथ 2 डॉक्टर्स की एक टीम भी है और प्रयास यही है कि कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें राज्य की ओर से, केंद्र की ओर से किसी प्रकार के और सहयोग की जिलों में आवश्यकता है, जिलों में व्यवस्थाओं का एक थोड़ा सा आकलन, यही हमारा उद्देश्य है और हम इसी कार्य में लगे हुए हैं। राजनांदगांव जिले में भी हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित जो कोरोना केयर सेंटर्स हैं उनको देखा है, सैंपल कलेक्शन सेंटर्स का भ्रमण किया है। हमने इसी तरीके से जो आइसोलेशन कंट्रोल रूम है और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कंट्रोल रूम है उन सबको भी देखा है और हमारी कोशिश यही है ये जानना कि मैदानी स्तर पर निर्देशों का क्रियान्वयन जो चल रहा है उसमें जिलों को किसी किस्म के सहयोग, राज्य को किसी किस्म के सहयोग, किस तरीके से समन्वय को बेहतर किया जा सके। जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने केंद्रीय दल को कोविड 19 के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेवाभावी संस्थाएं पीपीई किट और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा रही हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डॉक्टर सुनील गिट्टे, आनंद साहू और अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे। देश में कोविड 19 से ठीक होने वालों की दर 89% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 10 करोड़ कोविड जांच का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 14,42,000 कोविड जांच की गई है। वहीं इस दौरान 73,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में अब तक करीब 69,48,000 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 24,686 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,491 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोविड 19 से 6 लोगों की मौत हुई, वहीं 352 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में समय कुल 25,238 सक्रिय मरीज उपचार करा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अनेक उपाय कर रही है। इसके तहत प्रदेश में भी अनेक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को मास्क का उपयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों की साफ सफाई करने के लिए कहा जा रहा है। आगामी दिनों में त्योहारों को देखते हुए दुकानदारों और ग्राहकों के लिए दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं।
प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर में वेयरहाउस का शुभारंभ किया। करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस वेयरहाउस की क्षमता 10,800 मीट्रिक टन अनाज रखने की है। इस वेयरहाउस के बनने से आसपास के जिलों की राइस मिलों का चावल भी यहां रखा जा सकेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को काम भी उपलब्ध होगा। इस अवसर पर श्री भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री भगत ने कहा कि धान से एथेनॉल बनाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इस निर्णय से आने वाले समय में किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी और मुझे लेकर के गए थे, तो तब से प्रयास कर रहे थे कि एथेनॉल बनाने के लिए धान से अनुमति मिले। आप जा करके धान से एथेनॉल बनाने के लिए अनुमति प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इससे फायदा होगा। किसानों को क्या फायदा होगा? किसान ज्यादा उपज बेच पाएंगे, ज्यादा धान पैसा कमा पाएंगे। रवि के साथ खरीफ के साथ रवि जो समर पेटी है उसको बेचने के लिए उनको मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने दुर्ग जिले में महिला उत्पीड़न से संबंधित करीब 55 मामलों की सुनवाई की। इसमें पति पत्नी विवाद, मारपीट, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं। ऐसे मामले जिनमें कमेटी गठित कर मामलों की जांच की गई, उन जांच प्रतिवेदन को भी उन्होंने संज्ञान में लिया। श्रीमती नायक ने कहा कि पीड़ित पक्ष को विधि सम्मत न्याय उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। महिला आयोग के समक्ष आने वाले प्रकरणों की सुनवाई के दौरान उन्होंने पक्षकारों के प्रकरण के बारे में उनसे जानकारी ली। वहीं आवेदक और अनावेदक से भी उनका पक्ष सुना। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश देकर समस्या का निराकरण किया जाए। हमारी कोशिश है कि हर मामले में त्वरित हो। त्वरित कार्रवाई का मतलब यह है कि अनावेदक पक्ष यदि उपस्थित हो गया है तो हम वहीं पर मौके पर सुनते हैं। कई बार लोग कोशिश करते हैं कि हम वकील अलाउ करें, हम वकील अलाउ नहीं करते। जब तक कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, लीगल इश्यूज बहुत नहीं है, हमारी कोशिश है कि उभय पक्ष को समझाइश दे करके थोड़ा प्यार से, थोड़ा दुलार से, थोड़ा पुचकार से, थोड़ा डांट डपट से दोनों पक्षों के बीच की गलतियों को सॉर्ट आउट किया जाए, दोनों को समझाइश दिया जाए या माफ़ी मंगवाई जाए। सुनवाई के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में चालक के पद पर महिला की नियुक्ति के संबंध में आए प्रकरण में भी आयोग की ओर से जानकारी ली गई। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक कर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए। साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रायपुर में BSUP के 40 मकानों का आवंटन तृतीय लिंग के लोगों को किया गया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां सरकार ने तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को खुद का आशियाना उपलब्ध कराया है। राजधानी रायपुर स्थित सोनडोंगरी में बने आवासों की चाबी मिलने के बाद इस समुदाय के लोगों ने खुशी जाहिर की है। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही कि हम एक ट्रांसजेंडर होते हुए भी सरकार ने हमको एक घर दिलाया, एक छत दिलाया, छांव दिलाया, बहुत खुशी हो रही है। इस किराए से मकान नहीं मिलता है तो बहुत खुशी है कि अब खुद सरकार दे रहा है तो बहुत खुश है हम लोग। विजय जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मैं कि हम लोग के लिए बहुत सोचती है, करती है। पहले आपके पास मकान था, पहले से कि नहीं था, किराए में रहती? नहीं, मैं अपने समाज में रहती थी, अब मैं अब मिल गया तो अब मस्त रहूंगी अपने घर पे। तृतीय लिंग समुदाय कल्याण समिति की अध्यक्ष विद्या राजपूत सोनी ने बताया कि हमारे समुदाय के लोगों को किराए का मकान मिलने में भी कठिनाई होती थी, ऐसे में स्वयं का मकान मिलने से उनका सपना पूरा हुआ है। बहुत ही खुश हैं और ये पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य है जो ट्रांसजेंडरों के आवास के लिए काम कर रही है। और जो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में समूह में लोग रहते थे क्योंकि परिवार के लोग स्वीकार नहीं करते हैं और नया मकान खरीद नहीं सकते, लोग बाग किराए से देने के लिए हिचकिचाते हैं, तो ये हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज उनको घर मिला है, अपना उनका खुद का सपना पूरा हुआ है। सोनडोंगरी के जोन कमिश्नर अरुण ध्रुव ने कहा कि तृतीय लिंग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए गए हैं। देश सहित प्रदेश भर में नवरात्रि का पर्व आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न शक्तिपीठों और पंडालों में मां शक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बालोद जिले के झलमला स्थित गंगा मैया मंदिर में भी अपनी मनोकामना लेकर भक्तगण पहुँच रहे हैं। सुबह और शाम को होने वाली आरती के दौरान यहाँ सामाजिक दूरी रखते हुए माँ के दर्शन किए जा रहे हैं। इस साल मंदिर में करीब 950 मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। मंदिर में मां के दर्शन के लिए दूर दराज के इलाकों से ग्रामीण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति के प्रबंधक सोहनलाल टावरी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। इस बार मंदिर में ज्योत कलश प्रज्वलित किए हैं, दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को बाहर से ही दूर से ही अपना देखना पड़ेगा। दर्शन के लिए हम ऑनलाइन का व्यवस्था बना दिए हैं ताकि सब कोई देख सके अपने मोबाइल से अपने घरों में। दर्शन की व्यवस्था के लिए पूरी ऑनलाइन 24 आवर्स चालू है। इस साल मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में महिला स्वसहायता समूहों ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करके स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो रही हैं। इसी कड़ी में धमतरी शहर की राम जानकी महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने शहरी आजीविका मिशन के तहत CFL और LED बल्ब बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। करीब 2 साल पहले समूह की महिलाओं ने इस कार्य को करने के बारे में सोचा और बैंक से कर्ज लेकर इस कार्य की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें बल्ब बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे दुकानदार स्वयं ही बल्ब का ऑर्डर देने लगे। राम जानकी महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष मुस्कान यादव ने बताया कि बैंक से 1.5 लाख रुपए का लोन लेकर CFL और LED बल्ब बनाने का निर्णय लिया। अब समूह की ओर से बनाए बल्ब सरकारी विभागों को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम लोग ये LED बल्ब बनाने का कार्य कर रहे हैं और इसको 2-3 साल हो गया है। हम लोग को 2017 से चालू किए हैं और हम लोग मार्केटिंग भी करते थे पहले और अभी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सप्लाई भी मिल रहा है हम लोग को। समूह के सदस्य हमेश्वरी साहू ने बताया कि उन्हें शुरुआत में बल्ब बनाने का 4 माह का प्रशिक्षण दिया गया। सर है वो हम लोग से बात कराए, फिर प्रगति वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ हम लोग को 4 महीने तक ट्रेनिंग कराए और ट्रेनिंग कराने के बाद फिर हम लोग ना माल मंगाना शुरू कर दिए। समूह के एक अन्य सदस्य
सीमा यादव का कहना है कि वे अपने साथ अन्य बेरोजगार महिलाओं को भी इस कार्य से जोड़ना चाहती हैं। सब मिलके 1.5 लाख लोन लिए थे और लोन पूरा हो गया है हमारा, तो और आगे बैंक लीकेज करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं और अपना जो कार्य है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी जो स्थिति और मजबूत करना चाहते हैं हम लोग, मतलब और जो महिलाएं बेरोजगार हैं उनको भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि सब अपना आत्मनिर्भर बने और अपने पैर में खड़े हो कि महिलाएं आगे बढ़े ऐसे। केंद्र सरकार की शहरी आजीविका मिशन योजना का लाभ लेकर प्रदेश की विभिन्न स्वसहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।